दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस पे। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूँ जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। अध्यक्ष महोदय, बिल नंबर क्या? मैं इस बिल के ऊपर 27 नंबर बिल के ऊपर अपने ख्यालात का इजहार करने खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, जब हमारी कारपोरेशन के अंदर 78,000 करोड़ रुपया है और हमें लगता है कि एशिया की सबसे बड़ी कारपोरेशन है ये, 78,000 करोड़ रुपया, ये सब किसका है? सब टैक्स पेयर लोगों का है। और कोविड में हालत इतनी ख़राब है अध्यक्ष महोदय लोगों की कि लोग रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं, बिजली का बिल भरने के लिए पैसे उनके पास नहीं है, बच्चों के स्कूल की फीस उनके पास नहीं है और हालत इतनी ख़राब है कि मैं बताऊं कि हमारे मैं मेरे एरिया में एक आदमी दोनों पैर से उसका वो खराब दोनों पैर पोलियो है, वो बेचारा कैसे कैसे बैसाखी पे आगे पापड़ बेचता था, पुलिस ने इतने डंडे मारे उसको और उसकी दुकान बंद करा दिया, वो खाएगा क्या, क्या क्या करेगा? मैं अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कारपोरेशन के लोग जो है, जो प्रॉपर्टी टैक्स इस साल का है और वाटर टैक्स है, इन टैक्सों को अब की बार बिल्कुल माफ़ किया जाए। पैसा जनता का है, जनता परेशान है, तो इसलिए ये माफ़ होना चाहिए। मेरे एरिया में अध्यक्ष महोदय आज एजुकेशन की हालत, हमारे यहाँ ये हालत है कि कारपोरेशन के स्कूल में मेरा मैं लोगों के बैठने की जगह नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है और कई जगहों पे तो लोग पढ़ने नहीं आ रहे, कारपोरेशन के स्कूल खाली पड़े हैं, लेकिन मेरे यहाँ जगह ही नहीं है। बिल्डिंग के अंदर नई बिल्डिंग बनी, उसमें भी और बढ़ाने की ज़रूरत है। एक 7 नंबर बैठी चाल बोलते हैं स्कूल, बैठी चाल मतलब बिल्कुल नीचे है, अंदर चूहे घुसे रहते हैं, टॉयलेट में गंदगी रहती है, उसका सब कुछ हो गया। 53 करोड़ रुपया उसका बजट आया कि 53 करोड़ रुपये में वो स्कूल बनेगा। अतः कितने दिनों से कोशिश हो रही है, वो स्कूल को पैसे नहीं, फंड नहीं दिया जा रहा है कि पैसे नहीं है, और गार्डन की हालत बहुत खराब हो रही है। इस पूरे मुंबई में स्कूल को लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तुरंत कम से कम स्कूल का गार्डन का ये जो है फंड दिया जाए, और ये जो ये वाटर टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स इस साल का, उसको माफ किया जाए। ये मेरी मांग है। और खास तौर से 7 नंबर स्कूल बैठी चाल जो है मानखुश शिवाजी नगर का, जो बहुत बुरी हालत में है, बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं है, गरीब लोग हैं बहुत। अच्छा, वो हमारा एरिया जो है सर, फुटपाथ से किसी आदमी को उठाया सीधा मानखुश भेज दिया, कहीं ब्रिज बन रहा है उसको मानखुश भेज दिया, लेकिन वो सहूलतें नहीं मिलती हैं। जितनी पब्लिक बढ़ती है वहां पर वो सहूलतें नहीं मिलती हैं। मुंबई का सारा कचरा मेरे एरिया में आता है, मुंबई की सड़क से सारे उठाए हुए लोग मेरे एरिया में आते हैं, लेकिन वो सहूलत ही मिलना चाहिए। मैं पूरी ताकत के साथ मांग करता हूं कि तुरंत 53 करोड़ रुपया वो पास करके उस स्कूल को बना दिया जाए और बच्चों के पढ़ने के लिए कम से कम बंदोबस्त हो जाए। ये सर, सर एक छोटी सी बात और थी, मुझे आपसे बोल दूं मैं आपसे, जो ब्रिज बनाया आपने, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत अच्छा ब्रिज बना, उससे बहुत फायदा लोगों को है, पर उससे बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही है, और जो डंपिंग के लिए गाड़ी जाती है वो अभी तक शुरू नहीं हुई है, तो कहते हैं कंट्रेक्टर का काम पूरा हो गया, अब नया कंट्रेक्टर वहां पर अपॉइंट करेंगे, तो जरा जल्द से जल्द कर दें आप, तो मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद सर। नार्वेकर आजमी साहब। अध्यक्ष महोदय मैं अंतिम अठौड़ा पे अपने ख्यालात को के लिए खड़ा हुआ हूँ। अध्यक्ष महोदय, हमारे शहर मुंबई में, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बड़ी तशवीशनाक है। वो इसलिए है सर कि डिटेंशन और कन्विक्शन का रेट जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। सज़ा दिलाने वाली जो एजेंसी है उनका जो काम है बहुत स्लो है। एक तरफ कन्विक्शन की वजह से पुलिस पर काम का, कोविड की वजह से पुलिस पर काम का बोझ बहुत बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ बेरोज़गारी बढ़ रही है। बेरोज़गारी एक बहुत बड़ी वजह है क्राइम ज़्यादा बढ़ने की। नौजवान जो है क्राइम की तरफ बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम बढ़ रहा है, डकैती के वाकयात हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को सही चलाने के लिए एक पुलिस की चुस्ती, पुलिस को की ड्यूटी के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी देना ज़रूरी है। सर, पुलिस अदालतों में जो रेट है कन्विक्शन का और जो फैसले हो रहे हैं उसमें बहुत स्लो है। सीरियस केसेस में सर, शहर के अंदर 2020 में जो रेप के केसेस हुए हैं उसमें 58% बच्चों के केसेस हुए हैं, यानी 2020 में 767 रेप केसेस में जो दर्ज हुए हैं उसमें 445 बच्चों के खिलाफ रेप केसेस हुए हैं, और इस 2019 में 61%, 2018 में 64%, ये सारे बच्चों के खिलाफ केसेस हुए हैं। स्पेशल कानून बना पास्को, मैं पास्को में यह तय हुआ था कि एक साल में केसेस का निपटारा हो जाएगा, लेकिन
एक साल से पांच साल तक केसेस का निपटारा नहीं हो रहा है। और यह हुआ था कि कोर्ट स्पेशल कोर्ट बनेगी, स्पेशल उसके लिए प्रोसिक्यूटर लाए जाएंगे, लेकिन स्पेशल कोर्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इन केसेस के रेट लेट होने से, इनके निर्णय लेट आने से क्रिमिनल लोगों के हौसले बढ़ रहे हैं और उनको डर नहीं लगता है। अभी शक्ति बिल पास हुआ है, ऐसा ना हो कि पास्को की तरह से शक्ति बिल में भी जो इसमें जो पकड़े जाएं उनके साथ भी यही होगा। तो मुझे लगता है कि फिर क्राइम बिल्कुल घटेगा नहीं, क्राइम और इस तरह बढ़ेगा। सर आज जो है एक 2020 में जो आईपीसी क्राइम में पेंडिंग केसेस हैं वो 1,26,981 थे 2020 में, और इसमें से साल के आखिर तक सिर्फ 76% केसेस पेंडिंग थे, सिर्फ 24% केसेस जो है उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ है। कोर्ट में जो ट्रायल चल रहा है पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा हैं, यानी सेशन कोर्ट के अंदर 255,355 केसेस 2020 में ये पेंडिंग पड़े हुए हैं। सिर्फ 92% केसेस का फैसला हुआ, 98% अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री जी से कि इन चीजों पर ध्यान दिया जाए, ताकि जो क्रिमिनल लोग हैं वो बहुत दिनों तक केस नहीं चलने की वजह से उनके हौसले बुलंद रहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं नशे की बात करूं, मैं गृह मंत्री साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने सारे ऑफिसर्स को बुलाए थे नशे के रोकथाम के लिए, परंतु आज भी कहीं भी नशा का कारोबार बंद नहीं है। इस पर एक बहुत जबरदस्त तरीके से आपको पुलिस को ऑर्डर देना पड़ेगा, नई नस्ल बर्बाद हो रही है। मैं देख रहा हूं कि अगर किसी फिल्म स्टार का बेटा पकड़ा जाए, कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाता है जो मशहूर है, 24 घंटे नशे के बारे में बातें होती हैं, सारे टॉक ऑफ द टाउन बन जाता है, लेकिन महलों में, इलाकों में, कॉलेजेस में जो बच्चे उसमें शामिल हैं उसकी तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, उस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, मॉब लिंचिंग का मामला है, मॉब लिंचिंग का कानून जो है अभी इसके लिए पश्चिम बंगाल ने, राजस्थान सरकार ने, और अभी वहाँ पे आसाम में भी बिल पेश किया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग के ऊपर, झारखंड में भी सरकार ने पेश कर दिया है कि इसमें 25 लाख रुपया जुर्माना और उम्र कैद। ये कानून बनाना बहुत जरूरी है, मैं निवेदन करता हूँ कि मॉब लिंचिंग कानून को यहाँ महाराष्ट्र में भी लागू किया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं पुलिस के बारे में मैं कुछ बात कहता हूं तो पुलिस को बुरा लगता है, लेकिन सर एक जीआर है यहां पर कि जब कोई एमएलए बात करना चाहता है, जहां जाता है मिलने आता है, उससे खड़े होकर हाथ मिलाइए, दरवाजे तक छोड़िए। अरे हाथ मिलाने की बात छोड़ दीजिए, 10-10 बार फोन करो, फोन रिसीव करने को तैयार नहीं। ये भी कह सकते कि भाई बिजी हूं, 5 दिन के बाद फोन करो, 1 महीने बाद फोन करो, नो रिस्पॉन्स। मैंने अपने डीसीपी साहब को सर फोन किया कि एक मामला है, कुछ लोगों को भेजता हूं आपके पास, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैंने कहा सर कल शनिचर है, शायद आप कल नहीं मिलेंगे, मंडे भेजूं क्या? नहीं, बोले सैटरडे को भेज दो 4 बजे। वो लोग गए, 4 बजे से 6 बजे तक बैठे रहे, डीसीपी साहब अंदर रहे, और उनके जो सेक्रेटरी थे उन्होंने कहा साहब नहीं मिलेंगे आज, डीसीपी बाहर निकले और चले गए। मैंने पूछा साहब आपने तो, मैंने आपसे कहा था कि सैटरडे को नहीं भेजूंगा, मंडे भेजूंगा, तो कहा नहीं, वो आए नहीं लोग। अरे मैं बोला 2 घंटे बैठे रहे। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मंडे भेज देना। ये कोई तरीका नहीं हुआ इस तरह की बात, लेटर भेजो, लेटर का कोई जवाब नहीं। सर दूसरी चीज है, मैं नान तबलीग जमात लोग पकड़े गए नांदेड़ में, मुमरा में, बांद्रा में, डीएन नगर में। नांदेड़ में पकड़े गए, 5 मिनट में छूट गए, कोर्ट में गए। मुमरा में पकड़े गए, 5 मिनट छूट गए, जज ने कहा कि इनको तो बलि का बकरा बनाया गया, कुछ गलती इनकी नहीं है, उसी मोमेंट छूट गए। लेकिन डीएन नगर और बांद्रा में वही क्राइम के अंदर 307 लग गया, विदेशी लोग आए थे, 307 लगने की वजह से उनका पासपोर्ट कोर्ट में जमा हो गया, वो सब जेल चले गए। मैंने पूछा, इसके पहले होम मिनिस्टर साहब थे, जो यहां पे कमिश्नर साहब थे, कि मुझे खाली इतना बता दीजिए आप कि नांदेड़ मुमरा में नहीं 307 लगा, बांद्रा और डीएन नगर में लगा, तो दोनों में अंतर क्या मुझे बताइए। बोला नहीं, हम हटा देते हैं। मैंने कहा नहीं, मत हटाइए आप, अगर आपने लगाया है तो आप वजह बताइए। कोई वजह बताने को तैयार नहीं, कहें आप ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा बहस करते हैं। इस तरह से चीजें अगर होंगी सर तो मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा खराब होगी, और यह गृह मंत्रालय बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय, इसे निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, सचिन वाजे जिसके ऊपर
मुकदमा चल रहा खाजा यूनुस के मारने का, एक लड़का जो बेचारा कंप्यूटर इंजीनियर था, सिर्फ एक किडनी थी, उसको इन्वेस्टिगेशन में मार दिया गया, लाश को जला दिया गया, मुकदमा चल रहा था और उसको उसको फिर से जो है सस्पेंड ऑफिसर को लाके बिठाया गया। मैं आदरणीय शरद पवार साहब के पास गया, मैं शिवसेना के पास गया कि इस आदमी को कैसे ला सकते हैं आप लोग। लेकिन देखिए आप, एक अच्छा ऑफिसर जो ड्यूटी कर रहा था उसको हटा करके उसको बिठाया गया, इन चीजों में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, मेरी आपसे राय है कि आप जो है, दूसरी चीज, एक तरफ कुछ लोग हैं ना हमारी कौमी एकता को बर्बाद करने में लगातार लगे हुए हैं, रोजाना भी कोई धर्म संसद हुआ, अब उस क्या इसमें मैं कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा हंगामा हो, लेकिन रोजाना गांधी जी को कोई गाली दे रहा है, मुसलमानों को मारो, म्यांमार की तरह से निकालो, शपथ लो, ये सब चीजें चल रही है। मेरी आपसे निवेदन है, आप हमारी सरकार और दिल्ली की सरकार को एक कानून बनानी चाहिए कि जब भी कोई धर्म के खिलाफ, किसी देवी देवता के खिलाफ, किसी पैगंबर के खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ, छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ यदि कोई व्यक्ति अपमानित बात बोलता है तो उसे यूएपीए जैसे कानून में बना दीजिए, आपका क्राइम 50% खत्म हो जाएगा। आप देख लीजिए, अभी अभी जो हुआ त्रिपुरा में जो हुआ था उसके ऊपर हंगामा हुआ, 1500-1800 लोग वांटेड हो गए, मस्जिद पे पथराव, मंदिर पे पथराव, लड़ाई झगड़ा, लोग जेल जा रहे हैं, क्या चल रहा है? जब भी कुछ होता है, मालेगांव, इसके पहले मालेगांव में हुआ इसी वजह से, इसके पहले धुलिया में हुआ, इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए हमें सीरियसली सोचना चाहिए कि ऐसा कानून बनाया जाए ताकि कोई भी इन चीजों को लाकर, धर्म को लाकर के ये आपसी लड़ाई झगड़ा को बंद कराना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा हट के भी बात करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय, टाइम मिलता नहीं क्योंकि 6-5 ही दिन का था। रायगढ़ में जो एयरपोर्ट बन रहा है, या रायगढ़ जिले का नाम, सारे माइनॉरिटीज के लोग, सारे रायगढ़ के लोगों का एक मांग है कि उनका नाम अब्दुलरहमान अंतोले साहब के नाम से उस एयरपोर्ट का नाम या उस जिले का नाम रखा जाए, क्योंकि एक बहुत ही काबिल लीडर थे, जो मुख्यमंत्री थे, उनके नाम से कोई बड़ी चीज नहीं रखी गई है। ये मैं वहां की जनता का एक जो है उसकी मांग आपके सामने दोहरा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी। एक लास्ट चीज सर, हम जब सब फोन करते हैं पुलिस को, मैंने परसों फोन किया, एसीपी साहब आप मानखुर शिवाजी नगर में है, अरे मैं तो शोलापुर में, मेरा तो ट्रांसफर हो गया। सर नंबर जो है ना, ऑफिसर का नंबर बदली हुआ, रोज कहां से नंबर ढूंढते रहेंगे हम? उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि जो ऑफिसर है उसके पास वही नंबर रहता है, वो चला गया, वो दूसरा ऑफिसर आएगा, वो टेलीफोन उसको मिल जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होती है। रोजाना मैं फोन कर रहा हूँ डीसीपी साहब को कि डीसीपी साहब भिवंडी के डीसीपी हैं, बोले नहीं मैं तो अभी चला गया, नांदेड़ डीसीपी बन गया, आप देख लीजिए, पता लगा लीजिए अभी कोई दूसरा डीसीपी आ गया होगा। तो एक कम से कम जो ऑफिसर्स का है ना, उनको एक टेलीफोन सरकार की तरफ से दिया जाए जो परमानेंट नंबर रहे, ताकि हमें ढूंढना ना पड़े, रात को 2 बजे 3 बजे पुलिस को ढूंढना पड़ता है, बड़ी दिक्कत होती है। दूसरे साल हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जब हम फोन करना चाहते हैं, तो जो आज टेलीफोन जो लैंडलाइन है वो बहुत कम चलती है, सब मोबाइल पर चलता है। अब किसी मोबाइल नहीं लग रहा है, अब हम किसी आदमी को भेज रहे हैं पुलिस स्टेशन में कि भाई जरा मैं ऑफिसर से बात करा दो, ये मोबाइल लो, ऑफिसर कहता नहीं मैं बात ही नहीं करूंगा। अरे भाई आप फोन लीजिए, पूछिए कि आमदार है कि नहीं है, अगर आमदार नहीं है तो मना कर दीजिए, मत लीजिए, और हम कोई आपसे गलत काम करें तो आप मना कीजिए, हम गलत काम करने की बात ही नहीं करेंगे, हम आपसे कोई मालूमात लेना चाहते हैं। और किसी आदमी के हाथ से मोबाइल फोन भेज रहे हैं लेकिन आप उस मोबाइल टेलीफोन को लेते नहीं हो, रास्ते में कोई इंसिडेंट हो गया है, कुछ लोग भीड़ लगाए हुए हैं, मुझे कोई मैसेज दे रहा है आसिम भाई ये फलां ऑफिसर यहाँ खड़ा है उससे बात कीजिए, वो ऑफिसर फोन ही नहीं लेता। तो ये कम से कम ये चीज कही जाए उन लोगों से कि भाई जो MLAs का के लिए GR निकला उनकी रिस्पेक्ट रखो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इन चीजों पे थोड़ा आप ध्यान दे देंगे तो मैं बहुत आभारी हूंगा, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।